ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि मौजूदा बीजेपी पीडीपी सरकार जो है उसके 30 साल मुकम्मल होने के बाद भी एजेंडा ऑफ अलायंस जो पीडीपी ने मरकजी सरकार के साथ तय पाया था कागजी ही कार्रवाई है, अमलन उस पर कुछ नहीं हुआ है। और बुलंद बांग दावे किए जाते थे कि गोली नहीं बोली, सरहदें खामोश और पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाए जाएंगे, तमाम फरीकैन बशमूली मजाहमती कयादत के साथ बातचीत होगी, देखने में क्या है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, जंगबंदी लाइन तोपों और गोला बारूद की गन गरज से इस वक्त शोलों की नजर हो रही है, सरहदी आबादी अपने घर बार अपनी सारी जिंदगी की कमाई पीछे छोड़ के महफूज मकाम आ गए हैं, पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला जो हालात यहां के ठीक करने में कलीदी रोल अदा कर सकता है उसके बारे में मुखालफत हो रही है, खासकर जो पीडीपी के सहयोगी हैं रियासती हुकूमत में, कुठवा की वो मासूम 7 साल बच्ची साथ वैश्याना सलूक पूरे 7 दिन किया गया और नशावर दवाई खिला खिला के उसको अधमुआ किया और फिर इसकी बेदर्दी के साथ जान ली, उसके जो मुजरिम हैं उनके हक में वहां जुलूस निकल रहे हैं बीजेपी की कयादत में, ये इंतहाई शर्मनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उस बारे में हमारी खातून वजीर आला खुद 2 बच्चियों की मां है, लबकुशाई नहीं कर रही है, इख्तदार भी है इख्तियार भी है, उसके बावजूद इस मामले में उन अनासिर को खुल के जो है पुश्त पनाही की जा रही है जो आए दिन उन मुजरिमों के उन दरिंदों के हक में जुलूस निकाल रहे हैं, और जो वहां बाकी आबादी है मुस्लिम वगैर मुस्लिम खौफ और दहशत के साए के तले वहां से भाग रहे हैं। इससे बढ़कर इस मौजूदा बीजेपी पीडीपी की हुकूमत की नाकामी और कुछ नहीं हो सकती, इससे कुछ उम्मीद अवाम नहीं रख रही है। यहां दबदबा फौजी है, सिक्योरिटी अमला जगह जगह हर कदम पे यहां फौजी है, और आज फौज के कई आला कमांडरों ने पिछले 2-3 दिनों से बयानबाजियां की हैं जो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि मसला फौजी नहीं है, मसला जंग जदल का नहीं है, इसमें बातचीत का ही रास्ता है, जो कम से कम सरहद पर जो जंगबंदी लाइन हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो उस पे अमन आ सकता है।